और इसका भी रिव्यू मैंने आपका शेयर किया हुआ है guys, मैं आपका शेयर करना guys, मैं के सारे ये मोस्ट राइजिंग ये तो ये है मोस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शवानी ड्रीम लाइफ एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो हैश टैग माई बर्थडे मंसरीज हो काइज आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए घर पे हो गए सेफ हो गए फिट हो गए और बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए सो काइज जैसे कि न्यू ईयर चल रहा है विंटर्स चल रहा है बहुत ज़्यादा विंटर हो रहा है सच में हो रहा है तो उसी को चलते आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ विंटर्स स्किन केयर का हॉल आपके साथ शेयर करूंगी आज अराउंड सिक्स टू सेवन मॉइस्चराइजर्स आप फेस पे बॉडी पे इवन अपनी आपके स्किन केयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप उसको यूज़ करोगे तो मॉइस्चराइजर uh, ऐसी चीज़ होती है कि आपके स्किन को मॉइस्चराइज हमें विंटर्स में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी स्किन विंटर में बहुत ड्राई हो जाती है बहुत और बहुत ड्राइनेस की वजह से बहुत ज़्यादा इरीटेशन में होने लगती है तो हमें अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना पड़ता है हाइड्रेट रखना पड़ता है जिससे कि हमारी स्किन पर अच्छे से मॉइस्चराइजर बना रहे और हमारी स्किन अच्छे से वॉर्म करे ब्रीथ करे और बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ रहे विंटर्स में भी सो so गाइज आज मैं यही आपके यहाँ शेयर करने जा रही हूँ और वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक करेगा कमेंट करेगा शेयर शेयर करेगा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज डू कंसिडर डू सब्सक्राइब टू तो माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले जब मैं अपलोड करती हूँ और फिर बातें बहुत होगी आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so गाइज सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी एक एफोर्डेबल uh, कैटेगरी से तो कैटेगरी में मेरे पास है सबसे पहले आता है एक पॉन्ट्स का मॉइस्चराइज़र तो ये है पॉन्ट्स का मॉइस्चराइज़र और ये मिनी वाला साइज़ का है इसमें दो तीन साइज अवेलेबल हैं तो मैंने ये मिनी वाला लिया है पॉकेट फ्रेंडली है ट्रेवल फ्रेंडली है प्लस ये है कि आ, आप यूज़ करने के लिए ट्राई ऑन करने के लिए रख सकते हो अपने पास और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इवन मेरे पास ये दूसरा है मैंने सेकेंड बाय किया है इसका एक शॉपिंग हॉल आपके पास और आया होगा वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ और ये सेकेंड मैंने बाय किया और इसका प्राइस है फोर्टी रुपीस ये लिखा है फोर्टी रुपीस का है और ये है लाइट मॉइस्चराइजर तो आपके ऑल स्किन सुटेबल भी है आपके ऑयली स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन है प्रोन स्किन है पिगमेंटेशन है आपके स्किन पे जो भी है ये सब पे हेल्प करेगी सब पे आप मॉइस्चराइज कर सकते हो सारे स्किन के लिए और ये है नॉन ऑयली फ्रेश फील फॉर सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन इसमें विटामिन ई है ग्लिस्टरीन है तो ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है और मैं इसको ओपन करके आपको दिखाते भी मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है तो इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं ओके okay. सो लाइक दिस इस तरीके के पैकेजिंग है इसको मैंने ओपन कर लिया है और मैं आपको हल्का सा जेंटली इसका एक फोमिंग स्वेच दिखाऊंगी तो ये मैंने लगाया है और आप देखिएगा इसका रिजल्ट ये बहुत ही अच्छे से आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा लाइटन बनाएगा ब्राइटन बनाएगा प्लस और हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा विटामिन ही है इसमें तो और ग्लिसरीन है तो आपके स्किन पे अच्छे से वार्मनेस बनी रहेगी स्मूथ एंड सॉफ्टनेस भी बनी रहे आप ये देख सकते हो कितने अच्छे से ये दोनों हैंड रिज़ल्ट देखिए ये मैंने लगाया है इसमें और इसमें देखिए ये रिजल्ट डिफरेंस होता है हमारे स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाने का इसके हैंड मैंने कुछ नहीं लगाया था और इस हैंड में आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये सेट हो चुका है और आप देखिए दोनों हाथों में रिजल्ट तो हमारे स्किन को अच्छे से प्योरनेस प्रोवाइड करना हमें बहुत ज़रूरी है स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन केयर हेयर केयर बॉडी केयर हमारी बॉडी को ब्रीथ करना बहुत जरूरी है हमारे जो पोर्स होते हैं उनको हम लोग मेकअप करते रहते हैं बॉडी में ध्यान नहीं देते स्किन पर ध्यान नहीं देते तो हमारे स्किन डेड होने लगती है हमें डेड स्किन को क्लियर करने के लिए अपने स्किन को प्रॉपर रूटीनली क्लीन करना पड़ता है उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप भी है आपका मॉइस्चराइजर आप मेकअप करने से पहले भी मॉइस्चराइजर लगाते हो तो आपको वैसे ही स्किन पे फेस पे बॉडी पे हर जगह मॉइस्चराइजिंग लोशन हो मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो हमेशा लगाना है जिससे कि आपकी स्किन ब्रीथ करे सॉफ्ट रहे हाइड्रेट रहे मॉइस्चराइज रहे और विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा मस्ट है काइस हमें विंटर स्किन केयर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है हमेशा इसको यूज़ करना है जिससे कि हमारे स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम या एक्ने या कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे फेस पे नहीं Second, है मैं आपके यहाँ शेयर करने जा रही हूँ एक और मेरा मोस्ट एंड मोस्ट फेवरेट अराउंड थ्री टू फोर इयर्स से यूज़ कर रही हूँ मैं और ये है ये लैकमे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर सॉफ्ट क्रीम है ये तो ये इस तरह के क्रीम पे आता है इसका लोशन वाला बॉल भी आता है एक बॉटल भी आती है तो आप वो भी बाय कर सकते हो फुल बॉडी अगर आपको यूज़ करना है मैंने ये मैं हमेशा बॉटल वाली यूज़ करी बट इस टाइम मैंने ये बाय किया हुआ है ये सॉफ्ट क्रीम ट्वेंटी आवर मॉइस्चराइजर लॉक है ये भी ऑल स्किन सुटेबल है गाइस हमें अपने हर स्किन पर यूज़ कर सकते हो आपके ऑयली है ड्राइन वाली स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन है एक्ने प्रोन स्किन है जो भी है आप सब पे सेंसिटिव स्किन पे भी यूज़ कर सकते हो तो और इसका प्राइस है वन हंड्रेड टेन रुपीज़ और बहुत ही अफोर्डेबल कैटेगरी में है और आपको मैं बोलूँगी ट्रेबल फ्रेंडली है और अगर आप ट्राई ऑन करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो तो मैं इसको यहाँ पर लगा के दिखाती हूँ आपको तो ये है मेरा मॉइस्चराइजिंग लैक में पीच मिल्क का तो ये भी बहुत ही अच्छी है बहुत सॉफ़्ट है और इसकी फ्रेगरेंस भी एकदम सूदन टाइप की है बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगे कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ मॉइस्चराइजर लगा लिया आपके फेस पे या बॉडी में बहुत फ्रेग्रेस आ रही है ऐसा कुछ नहीं है तो ये देखिए अच्छे से मेरे स्किन पर मेल्ट गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखिए आपका रिजल्ट और ये देखिए इस दोनों हाथों पे रिजल्ट तो ये है मॉइस्चराइजर लगाने का रिजल्ट हमारे फेस और हमारी बॉडी पे तो आप ये भी ट्राई ऑन कर सकते हो अगर आप अफोर्डेबल कैटेगरी में या ट्राई ऑन करने के लिए आप मॉइस्चराइजर देखना चाह रहे हो तो ये बहुत ही अच्छे हैं और स्मॉल हैं क्योंकि मैंने ट्रैवल फ्रेंडली भी आपको दिखाना चाह रही थी जिससे कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो न्यू ईयर है या कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन पड़ रहा है आपको कहीं जाना है बट आपको मॉइस्चराइजर रखना है तो हम बिग बॉटल से बेटर है कि स्मॉल वाले किट्स भी रख सकते हैं बना सकते हैं तो ये हमारा एक मिनी साइज़ वाला है हमारा मॉइस्चराइजर मैं आपके यहाँ शेयर करने जा रही हूँ एक और मिनी में तो वो है ये मेरे पास प्लम का तो ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ इवन लास्ट का ये दो तीन ही बार का बचा हुआ है तो ये है प्लम ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर तो ये ऑयली स्किन के लिए एक हिडन जेम्स टाइप का है मैं इसको अराउंड थ्री मंथ से यूज़ कर रही हूँ थ्री मंथ्स में मेरा ये एक ख़त्म हो गया है एक और मतलब ये मैंने लिया है और इसका प्राइस है टू सेवेंटी फाइव रुपीज़ ये लिखा हुआ टू सेवेंटी फाइव रुपीज का मुझे मिला था और काइज इसमें है ग्रीन टी तो ग्रीन टी एक्स्ट्रक्ट हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके देखिए मैंने निकाला है तो ये हल्का सा जेल फिनिश में है जेल विथ क्रीम फिनिश में आप देख सकते हो हल्का सा जेली भी टाइप का है और क्रीम फिनिश में भी है बट ये आपके स्किन पे लगाने के बाद एकदम क्रीमी नहीं रहता है जेल फॉर्म में रहता है जिससे कि आपके स्किन पे कोई भी ऑयल और मॉइस्चराइजर नहीं देखेगा स्किन को मैट बनाएगा तो आप ये देखिए स्किन को एकदम मैट कर दिया है इसने और लगाने के बाद हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने कोई भी मॉइस्चराइजर लगाया है और फ्रेग्रेंस ऑसम है प्रॉपर एंड प्रॉपर मतलब ग्रीन टी जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उनकी फ्रेग्रेंस है और प्लम गुडनेस के सारे प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हैं जिससे कि आपके स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा है टू का है एक मिनी साइज में बट इसका बड़ा साइज भी अवेलेबल था बट मैंने मिनी ट्राई के लिए लिया था और मिनी मुझे सही लगता है बिकॉज मैं कभी आप बैग में भी रख सकते हो हॉस्पिटल जाना है मतलब मुझे हॉस्पिटल जाना होता है तो मैं बैग में रख लेती हूँ कहीं भी जाना होता है तो आप इजिली इसको रख सकते हो तो ये हो गया देन मैं आपका शेयर करने जा रही हूँ एक और और ये है ओले की मॉइस्चराइजिंग क्रीम तो ये भी बहुत अच्छी पैकेजिंग में आती है और ये इस तरह की बॉटल है मेरी इंड होने वाली है तो ये है इसका प्राइस है टू सेवेंटी फाइव रुपीज सेम प्राइस की है एज अ प्लम और ये मेरी मेरे से ख़त्म भी हो गई थोड़ी सी ही बचे आप देख सकते हो मैंने कितना इसको यूज़ किया है और ये ओले का ये नहीं है कि आप थर्टी एज के अंदर हो या थर्टी प्लस के ऊपर हो तभी आप यूज़ कर सकते हो इवन मैं भी थर्टी की नहीं हूँ बट मैं अभी मैं भी इसको यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक आइज मैं आपको दिखाती हूँ उसको ओके लुक एट दिस बहुत ही ज्यादा मतलब मैं आपको ये बोलूंगी कि इतनी ज्यादा इससे अच्छी फ्रेग्रेंस है बहुत ही सॉफ्ट है बहुत ही स्मूथ है मतलब मुझे लगाने पे भी देखिए एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा है और एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट है अगर आप ट्राई ऑन करते हो ओले के प्रोडक्ट्स आप जरूर इसको ट्राई ऑन करना बहुत ही अफोर्डेबल कैटेगरी में अच्छी सी क्रीम मिल जाती है आपको विंटर्स के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छी है अगर आप मॉर्निंग स्किन केयर करते हो तो आप मॉर्निंग में नॉर्मली क्रीम लगा सकते हो मतलब एज अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम इसको यूज कर सकते हो एज अ मॉइस्चराइजर आप मेकअप से पहले यूज कर सकते हो और आप सिंपली कुछ भी नहीं लगाना तो आप सिंपली ये लगा के भी अपने घर पर रह सकते हो स्किन केयर मैं आपका शेयर करने जा रही हूँ मामा अर्थ का कोको योगट मॉइस्चराइजिंग क्रीम और ये है इस तरह के का आता है पैकेजिंग में और इसमें है कोको योगट विथ कॉफी एंड कोको और ये है फॉर रिच मॉइस्चराइजर और गाइस इसको मैंने आपको एक नहीं तीन चार बार शेयर किया है अपने मोस्ट फेवरेट फेव में आ, आया है मेरे ये और बहुत सारी जगह मैंने इसके बाद शेयर किया है और आपको मैं दिखाऊँ ये एकदम मेरा ये हाफ हो चुका है आप देख सकते हो कितनी बड़ी बॉटल थी और बिल्कुल मेरा हाफ बचा है और एकदम जेली कंसिस्टेंसी में है लॉन्ग लास्टिंग है लाइट वेटेड है और बहुत ही जल्दी आपके स्किन पे अब्ज़ॉर्व कर जाता है इसमें आपको आपके स्किन के लिए सुटेबल इसलिए है क्योंकि ये आपके स्किन को सूदन बनाता है मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता ही करता है और आप देखिए मैंने इतना सारा लिया है बट ये आप सिर्फ इतने एरिया में भी लगाओगे तो ये अच्छे से ये ब्लेंड कर देगा आप ये देखिए इतने अच्छे से आपके स्किन पे ये एब्जॉर्व हो रहा है और बिल्कुल फ्रेगरेंस में आपको सिर्फ कोको -को पाउडर की और की ही फ्रेगरेंस आएगी और मैं आपको सही बताऊँ तो मैं इसको इवन पूरी बॉडी में भी यूज़ करती हूँ फेस पे भी यूज़ करती हूँ आप कहीं भी यूज़ करो स्किन केयर करो बॉडी केयर करो बट आपको मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी है जैसे मैंने आपको बोला और आप ये देखिए कितने अच्छे से आप मेरी स्किन को उसने मॉइस्चराइज कर दिया सॉफ्ट बहुत बनाता है इतना लाइट वेट है कि आपको लगाने के बाद एकदम ग्रीसी ऑयली टाइप का नहीं लगेगा प्लस आपकी स्किन को ये मैं इतने अच्छे से एब्जॉर्व हो जाता है कि आप चाहो तो तुरंत ही सेट करके मेकअप कर सकते हो और आप देखिए एकदम मेटिफाइक टाइप का हो चुका है तो ये भी बहुत बेस्ट है मैं इसका आपको प्राइस बता देती हूँ तो ये मुझे पड़ा था फोर नाइन्टी फाइव रुपीज़ में ये लिखा है इसका प्राइस फोर नाइनटी फाइव रुपीज़ वैसे मैं साइड में आपको प्रोवाइड कर दूंगी आप चाहो तो अमेज़ोन से बाय कर सकते हो नायका से बाय कर सकते हो पर्पल से बाय कर सकते हो ये सारे प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल जितने भी ऑनलाइन साइट्स पर भी अवेलेबल हैं मार्केट से भी बाय कर सकते हो और ये वीडियो कोई भी इंपॉसेंट वीडियो नहीं है ये मेरे ख़ुद के प्रोडक्ट्स मैंने बाय किए हैं इसलिए मैं आपको जेनविन रिजल्ट रिव्यू देना चाहती थी यूज़ करके अराउंड मैं दो तीन महीने से इनको यूज़ कर रही हूँ ये सब नहीं कि मैंने अभी स्टार्ट किया यूज़ करना और ये ख़त्म भी होने वाले हैं बट विंटर स्किन केयर के लिए मैं इसको रेगुलर यूज़ में लाती हूँ और इवन दो महीने से इवन दिसंबर से और जनवरी चल रहा है मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ और आपको मैं सही बताऊँ एक हिडन जेम्स की तरह अगर आप स्किन केयर कर रहे हो कंटिन्यू आप एक दो महीने यूज़ करोगे आपको रिजल्ट खुद खुद आपके फेस पे दिखेगा आपके बॉडी पे दिखेगा आपके स्किन पे दिखेगा और इवन मैं मॉइस्चराइजर वगैरह लगाने के बाद ही मेकअप करती हूँ मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है मैं आपको ट्रस्ट मी मैं आपको सच बताऊँ तो मेकअप करने के बाद मेरे फेस पर देख दो एक भी ऑयल नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज किया है अच्छे से प्रेप किया है और स्किन को भी मैं अच्छे से करती हूँ अगर मैं बाहर निकल रही हूं या घर पे भी हूँ तो ब्लीदिंग करने के बाद आप अप, अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करो और हेल्प करो उसको ब्रीथ करने में देन गाइस मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ मेरा मोस्ट एंड मोस्ट फेवरेट न्यूट्रीडम का मॉइस्चराइजिंग ई लोशन और गाइस इसमें है विटामिन ई और ये अमेजॉन पे अवेलेबल है और शायद पर्पल वगैरह पे भी आ चुका है मुझे ध्यान नहीं बट ये अमेजोन पे बहुत अच्छे से अवेलेबल है और ये थोड़ा सा मीडियम टू हाई रेंज में आता है बट इसको बाय करना 125 ट्वेंटी फाइव एम का है वर्थ है गाइस क्योंकि मैं इसको अराउंड सिक्स मंथ से यूज़ कर रही हूँ ये वाला ट्यूब और ये अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है आप देख सकते हो और इसके मैं थ्री ट्यूब्स यूज़ कर चुकी हूँ बहुत पहले से और ये प्रॉपर्ली मैं मेकअप के टाइम पर ज़्यादा यूज़ करती हूँ मुझे अच्छा लगता है मेकअप से पहले इसको यूज़ करना तो ये भी बहुत ही अच्छा है और ऑल स्किन सुटेबल है काज ट्रस्ट मी मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और इवन मेरी मदर की ड्राई स्किन है मेरी फैमिली में कई लोग कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैंने सब पे ट्राई ऑन किया है और सब पे इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है इसके लिए आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो आपको एट या नाइन कुछ में मिलता है ये तो और आप इसको बाय करो और आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है इवन मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप मेकअप अगर बहुत अच्छे से करते या हो या डेली कॉलेज गोइंग गर्ल हो या डेली आप बाहर भी निकल रहे हो तो अगर आप सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा के और ऊपर आप सिंपल मेकअप या सिंपल कॉम्पैक्ट लगा के भी जाओगे तो आपकी स्किन को ये एकदम अच्छे से फ्लॉलेस बनाएगा स्मूथ बनाएगा सॉफ्ट बनाएगा तो आप ये देख सकते हैं रिजल्ट मेरे हैंड पे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ट्रेसमिंग गाइस तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके विंटर स्किन के लिए एक अगर आप बाय करना चाहते हो विथ मेकअप के लिए और विदाउट मेकअप के लिए दोनों के लिए ही बेस्ट देन गाइस मैं आपका शेयर करना चाह रही हूँ माई रिसेंटली करेंट फेव प्रोडक्ट और वो है ये वाओ का स्किन रिविजनेशन मॉइस्चराइजर ये एक बिग बॉटल है तो मैंने घर में रखा है मैं फुल बॉडी यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पे फेस पे भी यूज़ करती हूँ बॉडी पे भी यूज़ करती हूँ लेग जहाँ भी मुझे लग, मुझे लगता है फुट पे भी यूज़ कर सकती हूँ रात में भी यूज़ करती हूँ दिन में कोई भी टाइम आप यूज़ करो अपना स्किन केयर आपके लिए इसलिए जरूरी है आप मॉर्निंग नाइट इवनिंग कोई भी स्किन केयर करो बट स्किप नहीं करो उसको तो ये मैंने बाय किया हुआ था अराउंड एक महीने पहले इसका भी शॉपिंग हॉल मैंने आपके यहाँ शेयर किया हुआ है तो आप पर्पल से अमेजान से या नायका से बाय कर सकते हो मैंने नायका से बाय किया हुआ था और इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज़ में है बट मुझे कुछ अराउंड थ्री फोर्टी रुपीजी में पड़ गया था ये मैं आपको प्राइस और फोटो साइड प्रोवाइड ज़रूर कर दूंगी और ये फोर हंड्रेड एम एल का क्वान्टिटीटी बहुत अच्छी है और मैं आपको ये बता दूँ कि इसका रिजल्ट इसमें ऐसे पंप मिलता है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है और इसको मुझे यूज़ करते हुए अराउंड फिफ्टी टू ट्वेंटी डेज हो चुका है बट ट्रस्ट मी ये मैंने आपको जैसे बोला ये मेरा करंट फेव है तो इसको आप मैं पंप से निकाल लेती हूँ और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ इस तरफ और आप ये देखिएगा ये क्रीमी कंसिस्टेंसी में आता है हल्का सा लोशन टाइप में आता है बट ये एज अ मॉइस्चराइजर है तो ये बहुत ही अच्छा मेकअप के ऊपर आपको रिजल्ट देगा फ्लॉलेस स्मूथ बनाएगा ही बनाएगा प्लस ऑल स्किन सुटेबल है और इसमें नो पैराबेन नो सिलिकॉन नहीं है तो क्वलिटी फ्री है तो और फ्रेग्रेंस की बात करें तो अमेजिंग है गाइस ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा अमेजिंग तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से आपके स्किन पे एबजॉर्व हो गया है कोई भी ऑयलीनेस नहीं है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आप ड्राई स्किन पे लगा रहे हो तो आपको ये ड्राई करे क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट और एब्जॉर्व हो गया जिससे कि आपके स्किन को ये स्मूथन बनाता है और बहुत ही फ्लॉलेस बेस देने के लिए भी रेडी रखता है तो आपके स्किन को अगर आप ट्राई करना चाहते हो आपको जरूर बाय करिएगा और बहुत ही मस्ट है अगर आप मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो अगर आप अफोर्डेबल रेंज में एक अच्छा क्वांटिटी का बाय करना चाहते हो अच्छी क्वालिटी का बाय करना चाहते हो तो आप इसको भी ट्राई ऑन कर सकते हो दिस इज वेरी वर्थ इट का आपके यहाँ शेयर करने जा रही हूँ माइस सेकेंड लास्ट और ये है मेरा डॉट एंड की का बॉडी केयर अल्ट्रा रिच बॉडी बटर वार्म कोको एंड फ्रेश वनीला तो ये इस तरह के पैकेजिंग में आता है बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है गाइस और ये है स्किन केयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्यूट पैकेजिंग भी है प्लस क्यूट रिज़ल्ट भी है इसका तो ये इस तरह के पैकेजिंग में है और इसमें इस, इस तरह के आपको मिलता है और आपके अंदर इस तरह की क्रीमी कंसिस्टेंसी है एकदम क्रीम कंसिस्टेंसी है लिक्विड बिल्कुल भी नहीं है तो आप आराम से इसको पैकेजिंग रख सकते हो ऊपर प्लास्टिक का है नीचे ग्लास का है हल्का सा और इसका प्राइस था फाइव नाइन्टी फाइव का और कभी कभी ऑफर्स मिल जाते हैं आपको नायका पे कुछ फ्री ऑफ गिफ्ट मिल जाता है कभी कभी आप इनके साइड से बाय करोगे तो आपको फ्री मिल जाता है कुछ ना कुछ चीज़ें कभी डिस्काउंट भी होता है कुछ ओकेजन से कुछ फेस्टिवल में अच्छा डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो आप चेकआउट तब कर लेना और अभी विंटर चल रहा है तो विंटर सेल्स वगैरह आती रहेगी अब उसमें भी चेकआउट कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा है और इसको भी मैंने अभी रिसेंटली शॉपिंग हॉल आपके शेयर किया हुआ है मैंने तभी बाय किया था और अराउंड मैं फिफ्टी ट्वेंटी डेज इसको भी यूज़ कर रही हूँ और इसका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है तो ये देखिए एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी है और एकदम हल्का सा येलो टोन में है बिकॉज ये हल्का सा वार्म कोको एंड फ्रेश वनीला का फ्रेग्रेंस वाला है और इसका टेक्चर बॉडी रिच कोको भी है तो ये हल्का सा इस फॉर्म में है और फ्रेग्रेंस भी एकदम उसी की है वेनीला की बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है तो अगर आप चॉकलेट वेनीला कोको टाइप के लवर हो तो आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है प्लस ऑल स्किन सूटेबल है गाइस सच में ऑल स्किन सूटेबल है स्किन है कॉम्बिनेशन सेंसिटिव जो भी स्किन है आपके एक्ने प्रोन स्किन है सेंसिटिव स्किन है आप सब पे यूज कर सकते हो और लुक एट दिस मैंने इतने सारे मॉइस्चराइजर अपने हैंड पे लगाए हैं बट आपको लगाने के बाद मेरे हैंड पे कोई भी नहीं लग रहा होगा आप कहीं से भी ऑयल दिख रहा हो आप दोनों हाथों को मेरे देख सकते हो अच्छे से ये भी मैंने लगाया है और ये भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्व हो गया है तो आप मेरे दोनों हाथों में देखिए अराउंड थ्री टू तो फोर मैंने इसमें यूज़ किए हैं थ्री टू तो फोर मॉइस्चराइजर मैंने इसमें यूज़ किए हैं और आपको सामने मैं शेयर कर रही हूँ तो दोनों में आप रिजल्ट देख सकते हो कितने अच्छे से स्किन में अब्जॉर्व हुआ है शाइन प्रोवाइड कर रहा है प्लस फ्लॉलेस बहुत ही अच्छा है तो एकदम केकीनेस भी नहीं है कि एकदम ऑयली ग्रेसी टाइप का दिख रहा हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है क्वान्टिटीटी वाइज भी बहुत अच्छा है क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है तो अगर आप डॉन की प्रोडक्ट ट्राई ऑन करना चाहते हो तो आप जरूर चेकआउट कर लेना लेकिन साइट पे अवेलेबल है अमेजन नाइका सब जगह अवेलेबल है बट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू की नाइका ऑया इनके साइड से बाय करो क्योंकि उसमें अमेजिंग ऑफर्स डिस्काउंट्स मिल जाते हैं लास्ट भी इन्हीं का ही है वो है डॉट योगर्ट बॉडी मॉइस्चराइजर ये है एल्वन लेमन एंड वेरबैना का और गाइस इसको मैं फुल बॉडी यूज़ करती हूँ स्किन पे भी यूज़ करती हूँ और फेस पे भी यूज़ करती हूँ तो इवन मैं कभी कभी रात में फूड क्रीम की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ इसकी फूड क्रीम भी अवेली आती है अवेलेबल भी है मेरे पास भी हैं बट मैं कभी कबार भूल गई तो मैं इसको फूड क्रीम के हिसाब से भी यूज़ कर रही हूँ और आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखिए ये है हल्का सा जेल विथ क्रीमी कंसिस्टेंसी बट लाइट में है और ये देखिए इसका रिजल्ट इतने अच्छे से ये एब्जॉर्व हुआ है आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है कि मैंने जरा सा क्वांटिटी लेने पे भी आपके पूरे हैंड ये अच्छे से फिनिश में प्रोवाइड कर रहा है और आप ये देखिए रिजल्ट लुक एट द डिफरेंस तो ये भी बहुत ही अच्छी डील है गाइस और इसका प्राइस मैं आपको बता दूं ये भी है ये है फोर नाइन्टी फाइव रुपीज़ का और क्वांटिटी इसकी है टू हंड्रेड एम तो फोर फोर नाइन्टी फाइव में टू हंड्रेड एम भी अच्छी डील है और आप फुल बॉडी यूज़ कर सकते हो इसको ये स्किन के साथ साथ फेस और आपकी बॉडी पर भी हेल्प बहुत अच्छे से करने वाला है मॉइस्चराइज प्रोवाइड करने में ऑल स्किन सेंसिटिव के लिए भी है ऑल स्किन सुटेबल भी है और ट्रस्ट मी मैं इसको यूज़ रही हूँ अराउंड ट्वेंटी डेज से तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं और आप मेरे स्किन पे भी चेंजेस देख रहे होंगे क्योंकि इस न्यू ईयर मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं जो मुझे पसंद नहीं आती थी और बहुत सारी न्यू चीज़ें ऑन करी हैं अपने बॉडी के लिए अपने स्किन के लिए इवन अपने फेस पे हेयर पे तो आपको रिज़ल्ट दिख रहा होगा प्लस मुझे एक चीज़ और बताएगा आपको मेरे फेस पे और मेरे लुक में क्या डिफरेंस लग रहा है अगर आप मेरी वीडियो बहुत टाइम से देख रहे हो मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपको इस वीडियो में डिफरेंस जरूर दिखा होगा और मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा अगर आप मेरे साथ सच में दिल से जुड़े हुए हैं तो मेरे लुक में क्या डिफरेंस है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यही सारे प्रोडक्ट मैं आपके यहाँ शेयर करना चाह रही थी गाइस विंटर स्किन केयर बहुत ज़्यादा जरूरी है मैं हमेशा आपको कहती हूँ और ये सारे प्रोडक्ट ऑल स्किन सुटेबल है ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन स्किन ड्राई स्किन सेंसिटिव स्किन एक्ने प्रोन स्किन और जितनी भी स्किन है जैसे भी टाइप है आपका सब पे आप ट्रस्ट करके बाय कर सकते हो यूज कर सकते हो बट आपको स्किन केयर जरूर करना है विंटर में क्योंकि क्योंकि आपके स्किन ड्राई नहीं हो और बिल्कुल भी हार्श नहीं हो जाए जिससे कि आपकी स्किन डेड हो जाए तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा मैं इसी तरीके से आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आती रहूंगी आपके शेयर करती रहूंगी और मेरी बर्थडे मंथ सीरीज आपको कैसे लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं फिर नेक्स्ट टाइम मिलूंगी आपको इसी तरीके से एक न्यू वीडियो के साथ चलें टेक केयर बाय